क्लास सेकेंड। वेलकम स्टूडेंट। बेटा आपका एक्सरसाइज मैंने दी थी वर्क करने को, उसमें आपको मैंने 2 एक्सरसाइज दी थी। ओके, अब आपको 3 और 4 एक्सरसाइज मैं समझा दूंगी और उसको आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। नीचे दिए स्थान पर अपना परिचय दीजिए तथा उसमें आप संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। तो जो नीचे दिए गए हैं उनमें अपना परिचय देना है। मेरा नाम, अब आप क्या करेंगे, आप अपना नाम भरेंगे, ठीक है। जो आपका नाम हो वो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर कि मेरा नाम ये है। फिर मेरे पिताजी का नाम, अपने पापा का नाम लिखना। मेरी माताजी का नाम, फिर अपनी माताजी का नाम लिखना। मेरे विद्यालय का नाम, फिर अपने विद्यालय का नाम लिखना। विद्यालय का नाम सभी बच्चे एक जैसा लिखेंगे, लेकिन मम्मी का, पापा का और खुद आप लोगों का नाम तो अलग अलग होगा, है ना। फिर उसके बाद उसमें आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। तो हमने आपको बताया था कि जितने भी नाम होते हैं वो सभी संज्ञा शब्द होते हैं, बताया था सभी को, बताया था कि जितने नाम होते हैं वो सभी संज्ञा होते हैं। तो आपका जो नाम होगा वो संज्ञा होगा, तो संज्ञा पे आप गोला लगा देंगे। फिर पिताजी का जो नाम होगा वो भी संज्ञा होगा, तो अपने पापा के नाम पे भी गोला लगा देंगे। फिर आपकी माताजी का नाम, तो जो आपकी माताजी का नाम होगा उसमें भी आप गोला लगा देंगे। फिर होगा आपके विद्यालय का नाम, तो जो विद्यालय का नाम होगा उसमें भी आप गोला लगा देंगे। फिर क्या है, संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। यहाँ देखिए क्या है, मनुष्य, छोटा, उसका, मछली, भालू, दिल्ली, चलना। अब पक्षी, हरा, राम, मेरा, आगरा, किला, खेलना। तो हमने आपको बताया था कि जितने भी नाम होते हैं वो सभी होते हैं क्या, संज्ञा होते हैं, ठीक है। सभी नाम होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। तो जो संज्ञा होते हैं वो इसमें आपको लिखना है, संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। कैसे लिखेंगे, छोटा, तो जो छोटा है वो क्या है, छोटा। छोटा को हम देख के महसूस करते हैं कि व्यक्ति छोटा है, तो ये हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। तो इसमें किस क्या लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये होगा हमारा भाववाचक संज्ञा, ठीक। उसके बाद में मनुष्य, मनुष्य को हम लोग देख के समझते हैं कि मनुष्य, देख लिया कि ये आदमी है, तो ये भी हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। फिर उसका, उसका क्या करेंगे हम, उसका, उसको देखा तो हमने महसूस किया कि उसका पेन है या उसकी किताब है, तो ये हमारी संज्ञा, ये हमारी आ जाएगा प्रोनाउंस, ये आती है सर्वनाम, उसका, उसकी, तो ये संज्ञा नहीं है। फिर आ गया उस मछली, मछली क्या है, संज्ञा है, ठीक है, मछली, क्योंकि उसका नाम है तो ये मछली भी संज्ञा हो गई। फिर भालू, भालू भी नाम है, तो मछली, मछली किस में आएगी, ये भी संज्ञा है। और फिर भालू, भालू भी क्या है, भालू भी संज्ञा है। दिल्ली, दिल्ली भी संज्ञा है। अभी आपको व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञा नहीं बताई गई है, इसलिए अभी हम आपको नहीं बताते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्या है। तो ये हमारी आ गई दिल्ली और भालू, ये हमारी संज्ञा है, दिल्ली भी संज्ञा है, ठीक है। पक्षी, पक्षी भी संज्ञा हो गई। हरा नाम है, ये भी संज्ञा हो गया।
राम ए भी संज्ञा हो गया, आगरा ए भी संज्ञा हो गया, किला ए भी संज्ञा हो गया और खेलना ये संज्ञा नहीं है। केवल हमें संज्ञा शब्द छांट के लिखने हैं, तो इसमें जितने भी नाम होते हैं वो सभी संज्ञा होते हैं। तो हम इसको लिखेंगे और यहाँ पे थ्री थ्री डिवाइडेशन दिए गए हैं, तो इसमें हम लिखेंगे संज्ञा शब्दों को। तो मनुष्य, और इसके बाद में मछली, भालू, दिल्ली, पक्षी, हरा, राम, आगरा, किला, ये सब हमारी संज्ञा हैं। इनको हम लोग लिख देंगे, ओके। इनके नाम लिखेंगे और हमको सेंड करेंगे। आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा बेटा।